हम लोग का मातृभाषा क्या है बाबू? हिंदी। हिंदी क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब क्या होता है? जो भाषा हम माँ के मुँह से सीखते हैं, है ना? यस सर। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमको कौन सिखाती है? हमारी मम्मी सिखाती है। कैसे सिखाती है? बोलो बाबा पापा, बोलो बेटा मम्मी, है ना? यस सर। इस तरह से सिखाती है, जिसके भी गोद में रहता है वो सीखता है, तो उसको हम मदर लैंग्वेज कहते हैं। जो माँ के गोद से सीखते हैं और फिर सीखते चले जाते हैं, ठीक है ना? हम लोग हिंदी अच्छा क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि बचपन से ही हम हिंदी बोलते आ रहे हैं ना। मम्मी क्या बोलती है? से देखो बाबू क्या है? कलम है। तो बचपन से ही वो समझ में आ जाता है, इसे तो क्या बोला जाता है? कलम। कुछ भी चीज को दिखाती है तो क्या बोलती है? ये कलम है, ये तुम्हारे दादाजी हैं। लेकिन कभी बोलते हैं इसे तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं? नहीं बोलते ना। तो बचपन से हम क्या सुनते आ रहे हैं? ये तुम्हारे पापा जी हैं, ये तुम्हारी दादी जी हैं, ये तुम्हारे चाची जी हैं। तो हम उसको उसी रूप में याद करते हैं, हमको वही समझ में आता है। लेकिन अगर हमको बचपन से बोला जाए दिस इज योर फादर, दिस इज योर मदर, ही इज योर ब्रदर, तो हम क्या कहेंगे? बचपन से हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ तो कल्चर नहीं है, हम बचपन से क्या बोलते हैं? या तो हिंदी बोलते हैं या तो भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन अभी आप लोग जैसे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें क्या है, सारा विषय क्या है? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। पढ़ने में आसानी होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी मातृभाषा नहीं है। हम इंग्लिश कैसे सीख पा रहे हैं? कोई भी वर्ड को मैडम क्या करती है? मैडम बोलती है बाबू कॉपी में नोट कर लो, क्या लिखाती है? फेस्टिवल का मतलब हम उसको याद करते रटा मारते। फेस्टिवल का मतलब त्योहार, फेस्टिवल का मतलब त्योहार। तो कोई भी इंग्लिश वर्ड को फिर पहले हम क्या करते हैं? हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तब समझते हैं। लेकिन आपको अगर कहा जाए बैगन, तो ट्रांसलेट करने की जरूरत है? बैगन मतलब सब्जी है एक तरह का, तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुमको बोला जाए से ब्रिंजल, सोचिए सब्जी कथी को बोल रहा हूँ। ब्रिंजल का मतलब कथी? जानवर का नाम है क्या? मतलब फूल का नाम है क्या? ब्रिंजल समझ में नहीं आएगा, तब क्या पूछेगा? सर जी ब्रिंजल का मतलब कथी होगा? हम कहेंगे बैगन। हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। ये दिक्कत है इंग्लिश सीखने में, यही दिक्कत है कि हर एक चीज को हम लोग को ट्रांसलेट करना पहली चीज। दूसरी चीज कि हम लोग आज तक, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए 11 साल का उम्र हो गया, तो पहले का 5 साल छाड़ दीजिए, 6 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। इस 6 साल के बीच में आप कितना हिंदी मीनिंग सीख गए हैं, लेकिन इंग्लिश क्यों नहीं सीखे हैं? पहला कारण होता है, एक होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। हमको कभी जानने का इच्छा ही नहीं हुआ, हमको कभी जानने का इच्छा ही नहीं हुआ। तो किसी चीज को क्या कहते हैं? अगर तुमसे ये पूछा जाए इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ग्रीन बोर्ड, क्योंकि ग्रीन दिख रहा है ना। इसको पलट देंगे तो उधर में दिखाई देगा व्हाइट, इसको बोलते हैं व्हाइट बोर्ड। अब ये जो यहाँ जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिक। बहुतों को नहीं पता होगा, आपको पता है इसको ब्रिक बोलते हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता। जिसको नहीं पता वो कैसे पता, जबकि सारा दिन देख रहे हैं हड़िया बर्तन कलछू झाड़ू लोटा पर्दा खिड़की दरवाजा सब देख रहे हैं, डेली बोल रहे हैं। लेकिन तुमसे पूछा जैसे बउआ बताओ खिड़की का मतलब क्या होगा इंग्लिश में? विंडो। पूछो कहेगा सामने नहीं क्या पता? विंडो सबको नहीं पता, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते उसको पता ही नहीं चलता है। विंडो का मतलब क्या होता है? रुमाल का मतलब क्या होता है? हैंकी बोलते हैं। दुपट्टा का मतलब क्या होता है? बहुत सारा ऐसा वर्ड है, बाल्टी तावा, घर में हम सारा दिन देखते हैं उस चीज को, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम जानना चाहते ही नहीं, और यही कारण है कि हम सीख नहीं पाते। तो यदि आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश लिखना सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो सबसे पहले आपको वो वर्ड मीनिंग को सीखना पड़ेगा जो अक्सर हम बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले उस वर्ड को सीखेंगे जो हम लोग डेली बोलते हैं। तो जो हम लोग हर रोज बोलते हैं वैसे शब्द को सीखेंगे।
तो सबसे पहला शुरुआत आपको क्या करना है, सबसे पहला शुरुआत करना है आपके घर की वस्तुएं। आपके घर में जितना भी सामान है जो ऊपर भी डेली आपको नजर पड़ता है, जैसे कि आईना, आईना को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, क्या कहते हैं मिरर। बहुतों को नहीं पता, किसको किसे नहीं पता, हम कहा तो देखो दिखा दो सब लोगों को, बच्चा दिखा दो सब लोगों को, देखो इतना लोगों को, इधर भी दिखा दो, इतना लोगों को नहीं पता, नहीं पता, जबकि सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पढ़ रहा ना बाबू, तो सब लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, हैंड्स डाउन एवरीवन, सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन आईना को मिरर कहते हैं, नहीं पता, तो इससे दिक्कत क्या हो रहा है, हम इंग्लिश सीख नहीं पा रहे, और वही जब हम लोग सीख गए, आज जैसा सीख गए, अब जब आईना के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, ये मिरर बा, क्या बोलेंगे, ये मिरर बा, सीख गए, और डेली जब आईना के पास जाएंगे तो क्या होगा, आपको डेली वो शब्द याद आएगा और मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला स्टेप आप लोगों का यही रहेगा, आज से लेकर एक सप्ताह तक ये आप लोगों का टास्क है कि आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं सबका वर्ड मीनिंग इंग्लिश में जानने का प्रयास कीजिए। यस सर। अब दिक्कत क्या होगा, तो बहुतों का वर्ड मीनिंग आपके किताब में मिल जाएगा, बहुतों का वर्ड मीनिंग आपके भैया, आपकी दीदी, आपके माता पिता आपको बता देंगे, और जिसका वर्ड मीनिंग आपको नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा बच्चों, लिखना और पूछेंगे, किनसे पूछिएगा, सर से। वेरी गुड। तो जो भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा वो हमसे आके पूछ लेंगे। तो पहला एक सप्ताह हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, साथ में इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक एक बच्चा को बुलाएंगे और यहाँ पर जो भी बाकी बच्चे बच्चे हैं वो उनसे सवाल पूछेंगे। यस सर। ठीक है, और देखेंगे कि वो बच्चा कितने सामान का नाम याद कर पाया है इस एक सप्ताह में। ठीक है, और जो बच्चा फर्स्ट होगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे, बढ़िया चॉकलेट खिलाएंगे, हाँ डेरी मिल्क खिलाएंगे, चलो ठीक है, yes, जो फर्स्ट आएगा तो पहला स्टेप हम लोग एक सप्ताह में इसको बढ़िया से तैयारी करेंगे, जो पढ़ाई कर उसको तो कंटिन्यू रखेंगे, इसको भी साथ ही साथ तैयारी करेंगे क्योंकि हमको इंग्लिश सीखना है। Yes, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप क्या होगा हम आपको बाद में बताएंगे। yes, फिलहाल आप इतना तैयार कीजिए, ठीक है, चलो थैंक यू।